बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीके की चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन की रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो 15 है f a by b is equal to c by d is equal to e by f, then prove that a cube plus c cube plus e cube divided by b cube plus d cube plus f cube is equal to a c e divided by b d f। ठीक है, तो के मेथड से सॉल्व करते हैं। as we know that a by b is equal to c by d is equal to e by f, so a is equal to k, to a by b is equal to k, to इसी में लिख सकता हूँ a is equal to b k, इसी तरह c by d is equal to k, तो मैं लिख सकता हूँ c is equal to d k, और e by f is equal to k, to e is equal to f k। ठीक है, now हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a cube plus c cube plus e cube divided by b cube plus d cube plus f cube, इसमें a c और e की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है, b k है, तो b k होल क्यूब प्लस c की जगह d k, तो d k और होल क्यूब है, एक c क्यूब है और e क्यूब है, तो f k होल क्यूब डिवाइड बाय b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब। ठीक है, अब ये मैं लिख सकता हूं बी क्यूब के क्यूब, बी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब के क्यूब प्लस एफ क्यूब के क्यूब डिवाइड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब विच इज इक्वल टू, अब इसमें के क्यूब ऊपर न्यूमरेटर में के क्यूब कॉमन ले लें, तो के क्यूब बी क्यूब यहां रहता है, यहां डी क्यूब और यहाँ एफ क्यूब रहता है, डिवाइड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा के क्यूब। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब डिवाइड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ये हमारे साथ के क्यूब के बराबर हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब ये साइड हमने k क्यूब के बराबर किया, अब ये भी k क्यूब के बराबर करते हैं। ठीक है, तो नाउ नाउ ये है a by b into c by d into e by f, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये a by b भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर, ये भी, तो इसकी जगह भी k into k into k, तो मतलब a c e divided by b d f is equal to k क्यूब, this is equation second, तो ये भी k क्यूब के बराबर और ये भी k क्यूब के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, from equation first and second, first और second से a क्यूब plus c क्यूब plus e क्यूब, a क्यूब plus c क्यूब plus e क्यूब divided by b क्यूब plus d क्यूब plus f क्यूब is equal to a c e divided by b d f, hence prove साबित हो गया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।